नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका DDS पे। और आज हम बात करेंगे टाटा हैरियर SUV के बारे में। टाटा मोटर ने इसके स्पेसिफिकेशन, इसके वेरिएंट और इसके फीचर्स सारे रिवील कर दिए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हैरियर में बहुत सी ऐसी खास बातें हैं, ऐसे खास फीचर्स हैं जो भारतीय कार निर्माताओं के लिए एक बेंचमार्क हैं। हैरियर के सेफ्टी फीचर्स में एक फीचर ऐसा भी है जिसका नाम ब्रेक डिस्क वाइपिंग है, जो बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे ये है क्या। तो ब्रेक डिस्क वाइपिंग, वाइपिंग का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें उसका मतलब है पोंछना, ब्रेक की डिस्क को पोंछना। लेकिन कब पोंछना है उस पर डिपेंड करता है। ये जो ब्रेक डिस्क वाइपिंग वाला फीचर है, ये आपके बरसात के दिनों में काम आता है, या आप कह सकते हैं जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे होते हैं तब काम आता है। होता क्या है, जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे होते हैं तो पानी, या आप कह सकते हैं मॉइस्चर, ब्रेक की डिस्क में एक लेयर बना लेता है। उससे होता क्या है, जब आप ब्रेक मारते हैं जो इनिशियल बाइट होती है ब्रेक की, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सही हो जाते हैं। जब आपके ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क में घिसते हैं तब वो पानी वार्म अप होके उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तब उसके बाद ब्रेक आपके सही से काम करते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हों और आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ जाए और उस टाइम पानी की लेयर जमी पड़ी हो ब्रेक के डिस्क में, तब आपके लिए वो एक जोखिम भरी सिचुएशन हो सकती है। और जो ब्रेक डिस्क वाइपिंग का काम है, वो कुछ समय के अंतराल पर ब्रेक लगाकर आपके ब्रेक डिस्क से पानी को हटाता रहता है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप ब्रेक मारें तब आपके ब्रेक इफेक्टिवली काम करें। तो बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको नहीं आपकी गाड़ी को पता कैसे चलेगा कि बरसात हो रही है। जब बरसात में आप गाड़ी चलाते हैं तो आप वाइपर का यूज़ तो करते होंगे, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें रेन सेंसिंग वाइपर्स लगे होते हैं, उससे सिग्नल मिल जाता है। लेकिन जिस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर नहीं होते हैं, तब वाइपर आप ऑन करते हैं तो गाड़ी के कंप्यूटर को पता चल जाता है कि गाड़ी आप बारिश में चला रहे हैं, और उससे ABS मॉड्यूल को सिग्नल मिल जाता है और वो आपकी मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि आप कितने टाइम के बाद ब्रेक लगा रहे हैं। अगर आपने काफ़ी टाइम से, यानी कि 4 से 5 मिनट के बीच में ब्रेक नहीं लगाया है, तब मॉड्यूल क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कि ब्रेक पैड के संपर्क में आके आपके ब्रेक डिस्क से पानी इवेपोरेट हो जाए, हट जाए, या आप कह सकते हैं ब्रेक डिस्क वाइपिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जो डिस्क को सुखाने के लिए मॉड्यूल जो ब्रेक प्रेशर अप्लाई करता है, वो इतना कम होता है कि ड्राइवर को पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। कई मैन्युफैक्चरर इसको ब्रेक डिस्क वाइपिंग बोलते हैं, कई बोलते हैं ब्रेक डिस्क ड्राइंग। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा इस फीचर का काम क्या है। जो भी हो, लेकिन बड़े काम का है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हैरियर का जो एक्सटीरियर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल गाड़ी तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके डिज़ाइन में क्या ऐसी कमियां हैं, यानी कि क्या ऐसा है जिससे कि वो गाड़ी दिखने में अच्छी नहीं लगती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और भारत माता की जय। और अभी भी रात के 1 बज चुके हैं रिकॉर्ड करते करते।